बिहार बंद करेंगे कल, तो कल किसके बाप का है बिहार जो बंद कर लेगा? ठीक है, वही आशुतोष है ना जो चूड़ा दही की बात करते थे कि ये चड्डी छाप गैंग का जो पाप का घड़ा था वो फट चुका है, कि हम बापू के मौत पे जश्न मनाएंगे, आप उसका नाम ले रहे हैं। आप जो ये 10% जो बिहार में लागू हुआ है वो वहाँ लागू नहीं होने दिया, इसीलिए प्रधानमंत्री को पेट में दर्द हुआ और आपने चमचे को वहाँ भेज दिया। मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं बिहार के, और वो अभी जेल में है। तमिलनाडु और बिहार के उनके बीच जिस तरह से प्रकरण चला, एक वीडियो वायरल हुआ, आया आरोप लगा मनीष कश्यप पे कि वो वीडियो वो जानबूझकर वायरल किए हैं, उन पर कई केस भी दर्ज है और अभी वो जेल में है, कस्टडी में है 7 दिन के। और बात रही मनीष कश्यप के समर्थन में जितने भी बिहार के लोग हैं, अब वो कल यानी 23 तारीख को बिहार बंद करने वाले हैं, और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा वो भी इसका समर्थन किए हैं, और ब्राह्मण भूमियार के जो नेता हैं आशुतोष कुमार वो भी इनका समर्थन किए हैं, और कल इन लोग रोड पे उतरेंगे। तो हम बात करेंगे कि वो पत्रकार एक हैं लेकिन जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी या फिर कह ले आशुतोष कुमार वो भी एक पार्टी बनाए हुए हैं, अब मनीष कश्यप के समर्थन में उतर रहे हैं, 180 दिन के बाद जब निकलेंगे तो तेजस्वी यादव के सत्ता भी गिर जाएगा। तो अब डर के रहिए आप लोग, कैसे इसको देखते हैं? कौन डर के रहेगा? आप लोग रहिएगा और क्या, हम लोग क्यों रहेंगे डर के? जो डरा वो तो गया जेल, जो डरा वो तो गया जेल, अब कुछ होने वाला है? जो करतूत किया था, जो कारनामा किया था, वो पूरा देश पूरा बिहार को पता है। ऐसे ही शासन और प्रशासन किसी को जेल में नहीं ठूस देता है, कुछ ना कुछ होता है तभी ठूसता है, और जांच पड़ताल में वो गलत पाए गए हैं तब ना गए हैं जेल। चिल्ला रहे हैं बाहर में क्यों नहीं छुड़वा लिया, क्यों उसको जेल जाने दिया? आप भूमियार और ब्राह्मण की बात कर रहे हैं कि कल भूमियार और ब्राह्मण एकता मंच क्या करेंगे? बिहार बंद करेंगे कल, तो कल किसके बाप का है बिहार जो बंद कर लेगा? मनीष का सिर्फ बिहार के बेटा है। सबसे पहले आज बिहार दिवस है, मैं सभी लोगों को बधाई देती हूँ, लेकिन ये बिहार किसी बाप का नहीं है, बिहार हम सबका है। और किसकी हिम्मत है जो बिहार बंद कर ले? कारगिल चौक तो बंद होगा ही नहीं, क्या बात करते हैं आप? कुछ भी है। कुछ भी कैसे? अरे ये वही आशुतोष है ना जो तेजस्वी यादव के आगे पीछे घूमते थे एगो टिकट के लिए, बचहा चुनाव याद है ना? बचहा चुनाव में देखे थे आगे पीछे, वही ज्ञान भवन में एक मंच पे साझा मनीष कश्यप और क्या कहते हैं आशुतोष और तेजस्वी यादव सब साथ में थे। यही ना बात है, कभी आशुतोष माला पहनाते थे तेजस्वी। पहले चुप रही, पहले मेरा बात सुनिए, नेता क्यों बनना है? पत्रकार सबका ट्रेंडिंग चल रहा है, पहले पत्रकार बनेगो मैक उठा लो उसके बाद नेता बनो। पहले आप सुनिएगा मेरा बात, बोलिए बोलिए ना सुनिए। वही आशुतोष कुमार है ना जो तेजस्वी यादव को माला पहनाते थे, वही मनीष कश्यप कि जो बोले हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे और उनका समर्थन में। ठीक है, वही आशुतोष है ना जो चूड़ा दही की बात करते थे कि तेजस्वी यादव को बोले थे कि चूड़ा मेरा रहेगा दही आपका रहेगा, फिर क्या हुआ? वही तो विरोध कर रहे हैं। क्या औकात है? जिसका खुद का वजूद नहीं है, खुद का एक विधायक नहीं है, वो हमारा बिहार बंद कर देगा? करेगा ही, कैसे बिहार बंद कर देगा? देखिए ये जो पाप का ना घड़ा जो फूटता है ना, तो वो कभी ना कभी फूटता ही है, तो इन लोगों का जो पाप का घड़ा था ना, ये गैंग का, ये चड्डी छाप गैंग का जो पाप का घड़ा था वो फट चुका है। मतलब अब कहीं से मनीष कैसे पाप किया और चड्डी छाप पत्रकार है? बिल्कुल है, बिहार के गरीबों का आवाज उठाते थे, उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, किसका आवाज उठाया? गरीबों का आवाज बनते थे मनीष कैसे? आयांस के मामले में 8 करोड़ का हिसाब दे बिहार को, आयांस के मामले में 8 करोड़ का हिसाब दे बिहार को, तब हम मानेंगे गरीब का आवाज उठाया। वो एक आयांस को सामने में ले आके और 8 करोड़ ठक के भाग गया, ठकअप बिहार जो ठकने का काम किया किसको नहीं पता है? उसको तो ये भी नहीं पता कि हमारे बिहार का मजदूर तमिलनाडु में गया है काम करने के लिए, तो वहाँ भी उसको ये नहीं पता, तो हमारे बिहारियों को वहाँ से भगाने का काम किया है। बेचारा लोग इतने परेशान हो गया ये गलत वीडियो क्रिएट करके, गलत तरह से वीडियो बना के, वो कहाँ से स्टडी करके आपको नहीं पता है? वो आरएसएस का गैंग है, आरएसएस का ठेकेदार है, आरएसएस का ठेकेदार है, तो किसका ठेकेदार है? आप बोल रहे कहां से उसका हिस्ट्री देखे? पत्रकार को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। सुनिए सुनिए, क्या सुनिए? जिस आदमी में ये औकात नहीं हो कि अपना सही सही नाम प्रेजेंट कर सके, ये नया नया नाम लाके उसका फुल नेम पहले पता कर ले, उसका नया सही नाम क्या है? मनीष कश्यप है, पता कर लीजिए ना। त्रिपुरारी, क्यों इतना इतना नाम क्यों? क्यों ऐसे ऐसे लोग को ना तो फांसी की सजा, यही है ना वो आर्मी का बेटा, आर्मी का बेटा, उसके पिता को सैल्यूट करते हैं, उसके पापा ने उसके इंजीनियरिंग के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? उसके पिता को भी शर्म हो रहा होगा, उसकी माँ रो रही है कि मैं कैसा बेटा को हमने पैदा कर दिया जो मेरा घर का कुर्की जब्ती करवा दिया।
क्या चाहिए एक माँ बाप को, एक बेटा से प्राउड फील होता है कि उसको क्या कहते हैं गोल्ड मेडल लेके देता है। उसने तो अपने माँ और बाप का इतना नाम गिरा दिया कि कुर्ती जब्ती करवा दिया। ये वही है ना जो गांधी पे टिप्पणी करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि गांधी के मौत पे हम जश्न मनाएंगे। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, देखे हैं क्या बात करते हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं। जिन्होंने ये कह दिया कि हम बापू के मौत पे जश्न मनाएंगे, आप उसका नाम ले रहे हैं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको शर्म होना चाहिए। वही कन्हैया कुमार को आप लोगों ने टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह के उसको देशद्रोही करने का काम किया, तो ये क्या किया है? ये भी तो वही ना किया है। बिल्कुल होगा। जिस तरह से वो काम किया है, जिस तरह से वो वीडियो क्रिएट किया है, जिस तरह से हमारे बिहारी भाई के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, जो घटना नहीं हुआ था उस घटना को उन्होंने क्रिएट करके दिखाया है, तो ये उस पे देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। और देश के लोगों को उन्होंने भ्रमित किया है, कभी उन्होंने दिखाया है कि देश किस ओर जा रहा है, गरीबी कितना हो गया, महंगाई कितना हो गया है, अब कभी दिखाया है उन्होंने? ये मोदी जी का जो चमचागिरी कर करके वो थकता नहीं है, कभी उसके विरोध में उसका कभी एगो वीडियो देखे हैं? भाजपा के विरोध में कभी उसका वीडियो देखे हैं? कभी कब कभी किसका सपोर्ट कर दे? मतलब भाजपा के एजेंट है, बिल्कुल एजेंट है। आपको हम बता दे रहे हैं, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत अच्छे हैं, एमके स्टालिन बहुत अच्छे हैं, और ऐसा मुख्यमंत्री हर स्टेट में होना चाहिए। आप जो ये 10% जो बिहार में लागू हुआ है वो वहाँ लागू नहीं होने दिया, इसीलिए प्रधानमंत्री को पेट में दर्द हुआ और अपने चमचे को वहाँ भेज दिया। मतलब मनीष कश्यप प्रधानमंत्री से कनेक्ट है? बिल्कुल कनेक्ट है, चमचागिरी करता है, दलाली करता है, पैसा वसूली करता है। सुनिए, झूठा कलम आप जाके उसका चापलूसी और दलाली कीजिए, हम नहीं करते हैं। आपके अकाउंट में आ जाएगा 50 लाख रुपया, मेरे अकाउंट में नहीं आएगा, मेरे पास जितना है हम उतने में संतुष्ट है। आपने कभी वो क्या कहते हैं रिक्शा चालक दीपक, उसके नाम पे आपने ठगा, अपने आयांश के नाम में ठगा। यहाँ पटना में जितने टीचर है जो कोचिंग चलाते हैं सबसे आपने वसूली किया, आपने गांव जाके जितने सरकारी स्कूल है आपने वहां जाके वसूली किया, और जो स्कूल से उसको पैसा नहीं मिलता था उसको वो पर्दाफाश। अच्छा, तो क्या क्या करता बिहार था? के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि वो भूमियार है तब उनको सताया जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग भूमियार को सताते हैं? पहले सुनिए, हम लोग क्यों सताएंगे? आप लोग की सरकार है, हम लोग भूमियार को सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गलत करेगा तो उसको हम लोग छोड़ने का भी काम नहीं करेंगे। हमारे लिए हर समाज हमारे लिए मान सम्मान और इज्जत हम लोग करते हैं। नेता प्रतिपक्ष कैसे बोल दिए? सुनिए, विजय सिन्हा की औकात हम लोग दिखा देंगे। वो बोल रहे हैं ना कि भूमियार है इसीलिए उसको सताया जा रहा है, तो ठीक है, आने वाला समय आपको भूमियार ही आपको सत्ता पे बैठाएगा, भूमियार ही आपको वोट देगा। मैं आपको बता दे रही हूँ कि मनीष कश्यप का जितना भी फॉलोवर होगा, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा 90% उसको बैकवर्ड ने फॉलो किया है। हाँ। और अभी भी फेसबुक हो या इंस्टा हो, हर जगह बैकवर्ड ही उसका स्टेटस लगा रहे, उसके सपोर्ट में है, लेकिन सबको वो भ्रमित करने का काम किया है। जिस तरह से वो बिहार के युवा को, देश के युवा को गलत ट्रैक पे ले जाने का काम किया है, कोई उसको माफ नहीं किया करेगा। अभी भी लोग भ्रमित है, अभी भी लोग उसके झांसे में है कि हमारे लिए ये कर दिया, हमारे लिए वो कर दिया। क्या कर दिया है मनीष कश्यप, हमको ये बता दीजिए, जो उसके लिए बिहार बंद होगा? बिल्कुल बंद नहीं, ऐसे लोग को सजा होना चाहिए, हम सजा की मांग करते हैं। बिल्कुल आने वाले समय में ऐसा लड़का बिल्कुल पैदा नहीं ले जो हमारे देश हमारे बिहार को बांटने का चरित्र पे क्यों बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? उसका चरित्र क्या साफ है? पैदा नहीं होगा, ये तो बात है। सही बोल रहे हैं। क्यों क्रिएट किया वीडियो? क्यों किया क्रिएट वीडियो? हमको आपको जवाब चाहिए। उसी का हाथ था, वो तो वायरल वीडियो था। क्या वायरल वीडियो था? कहां से वायरल वीडियो था? मनीष का सब सच तक न्यूज चलाता है, वो सच दिखाता है, तो उन्होंने सच क्यों नहीं दिखाया? वो झूठ क्यों दिखाया? वो लोगों को भ्रमित क्यों किया? हमको जवाब चाहिए। ये ठेकेदार सब हमेशा से, 24 का चुनाव नजदीक है, ये भाजपा वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चीजें नहीं है कि लोग से ये कैसे वोट ले, तो ये कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी तेजस्वी यादव के पास CBI, तो कभी ED का, कभी किसी का छापा, जब उससे नहीं पेट भरा तो ये भेज दिया ये अपने चापलूस दलाल को कि जाओ ऐसा माहौल क्रिएट करो कि सारे दुनिया का ध्यान उस तरफ हो जाएगा और हम अपना वोट बैंक बना लेंगे। लेकिन लोग भी यहाँ का समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी के झांसे में आने वाले नहीं है। देश और बिहार किस ओर जा रहा है सुनना है, जानना है तो रवीश कुमार को सुनिए। लेकिन कुछ चंद पत्रकार जो है, चंद जो गैंग चलाते हैं, गैंग पत्रकार का ये काम होता है, ये भाषा है रेलने का, ये भाषा होता है
कहाँ से पढ़ के आए हैं, कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हमको जवाब चाहिए। अगर सब लोग पत्रकार बन जाएगा, चौथा स्तंभ को गिराने का काम किया है, भरोसा उठ गया है पत्रकार पर से कि आप दिखा क्या रहे हैं। अच्छा। आप बोल क्या रहे हैं, आप लोग भी संभालिए, ऐसे लोग का साथ बिल्कुल मत दीजिए जो हमारे देश के युवा को बर्बाद कर रहे हैं, देश बिहार के युवा को बर्बाद कर रहे हैं और बिहार को किस और ले जा रहे हैं। और ये सरकार है नीतीश कुमार के और गिराने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के, आपको शर्म होना चाहिए। जो खुद गिर गया है दूसरे को क्या गिराएगा, जो खुद गिर गया दूसरे को क्या गिराएगा, जो शेर है वो शेर ही रहेगा, जो बिल्ली है वो बिल्ली ही रहेगा, समझ लीजिए। तो मतलब तेजस्वी शेर है, वो सब जानता है कौन क्या है। हाँ। वो सब हम तेजस्वी यादव को ही क्यों, वो सब जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है कि हम लोगों को समाजवाद ने कभी झुकना नहीं सिखाया है। डर गए हैं, नहीं है कौन डर गया, तेजस्वी यादव क्यों डर जाएंगे, 180 दिन के बाद सरकार गिरने वाला है, उसका क्या हाल होगा पहले वो तो जाने, उसका क्या हाल होगा वो क्यों जाने। तेजस्वी यादव सरकार में क्या मुख्यमंत्री है जो उसकी सरकार गिरा देगी, वो मुख्यमंत्री है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार की सरकार गिरा देंगे। अब बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, आपकी जात से प्रॉब्लम है, आपको जात से प्रॉब्लम है, आपको तेजस्वी यादव है इसलिए उनको प्रॉब्लम है। हाँ यही प्रॉब्लम है। अरे आपको मुख्यमंत्री बनना है, आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए। पहले ही बोल देते, बड़का बड़का होर्डिंग लगवाए थे कि हमको बिहार का नेता बनना, पहले भी चनपटिया से चुनाव लड़े थे, आप हार गए। तो आप फिर वो भी भगवा झंडा लगा के आप घूमते थे, सब जानते हैं। आप आरएसएस के पाठशाला से पढ़ के आए हैं, ये भी सब जानता है, कुछ छुपा हुआ नहीं। अच्छा। है और आप झांसे में भी नहीं रख सकते हैं। और आपका जो वो पाप का पिटारा था ना, वो फूट चुका है और आप जितना कमा लिए हैं, जितना पैसा आपके पास आ गया है, बस आप उसने में संतुष्टि। अच्छा, लास्ट सवाल, कल तो आप लोग भी बिहार बंद में समर्थन करिएगा। किसकी औकात है जो बिहार बंद कर लेगा, किसकी मजाल आप कर रहे हैं, बुला लीजिए, बुला लीजिए, देखिएगा बुला लीजिए। नहीं जात की बात कर रहे हैं, जात की बात कर रहे हैं, जात की बात कर रहे हैं ना, जात की बात कर रहे हैं। सिर्फ मनीष कश्यप को सिर्फ भूमिहार ही ने सपोर्ट किया था और कोई नहीं सपोर्ट किया था। वो भूमिहार की बात किए हैं तो ठीक है, कल देख लेंगे कल क्या होता है। अब जाके कारगिल चौक बंद करवा देंगे तो हम मान लेंगे कि बंद हो गया, फालतू चीज। औकात नहीं है, औकात क्या रहेगा, ऐसे लोगों के समर्थन में कोई नहीं है, कोई नहीं डर के रहिए। तेजस्वी यादव का सरकार जाने वाला है, किसी की सरकार इतना बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। सुनिए ना कोई किसी का ये नहीं है। हाँ। ये खाट से हम बोल रहे हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता है, ठीक है। हाँ। और डरने वाले चले गए म्याऊ म्याऊ करके, ठीक है। चलिए तो देखिए, हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे प्रिया यादव, पटना विश्वविद्यालय की छात्रा है और ये तमाम बातें मनीष कश्यप के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि किसकी औकात और मजाल है कि कल बिहार बंद कर लें। और बड़ी बात तो इन्होंने यह कह दिया है कि वो आरएसएस के पाठशाला से पढ़ के आए हैं, तो भाजपा आरएसएस के एजेंट हैं, उनको सीधे लैंड किया गया है कि इस तरह का मुद्दा क्रिएट करो, एक राज्य दूसरे बिहार और तमिलनाडु राज के बीच मुठभेड़ करो, ताकि जो वहाँ भाजपा की है, जो केंद्र सरकार की सत्ता है, उनका वो वोट बैंक बन सके। ये तमाम बातें प्रिया राज ने कहा है और इनका साफ कहना है कि उनका औकात नहीं है कि वो बिहार बंद कर लें। और बात कर रहे हैं विजय सिन्हा कि हम भूमिहार का बेटा है मनीष कश्यप, तो वो उनको सताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या सच में कल बिहार बंद होगा, और अगर 180 दिन के अंदर मनीष कश्यप छूट करके बाहर आते हैं तो क्या सच में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सत्ता गिर जाएगी, क्या सच में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। सारे सवालों का जवाब प्रिया यादव ने दिया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अमन पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।